तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है सेलेरियो। आज इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ एक बेसिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बेसिकली इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो चुकी हैं आज के डेट पे कि कार के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एज इट इज़। जैसे अगर आप नीचे देखें तो इसके अंदर कस्टमर ने LED हेडलैम्प्स करवाए हैं और नीचे फॉग लैम्प्स नहीं थे इसके अंदर, जो कंपनी से नहीं आते थे उसके अंदर फॉग लैम्प्स लगवाए और साथ ही साथ इसके अंदर LED भी लगवाई। अगर आप देखें तो दोनों में हेडलैम्प और फॉग लैम्प में दोनों में इसके अंदर आपको LED मिल जाएगी। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो अंदर से अगर मैं दिखाऊँ आपको एक सेकेंड, तो इसके अंदर प्रॉपर हाइपरसोनिक का जो इसके अंदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगी है प्रॉपर कार के अंदर, अगर आप देखें तो प्रॉपर हाइपरसोनिक इसके अंदर आपको स्क्रीन मिल जाती है। अगर मैं इसे ऑन करके दिखाऊँ एक बार आपको, तो कुछ ऐसे इसके अंदर आपको स्क्रीन मिल जाती है हाइपरसोनिक की। प्रॉपर एंड्रॉयड स्क्रीन इसके अंदर आती है, एप्पल कार प्ले इसके अंदर प्रॉपर आपको मिल जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। और जो इसकी रिफ्रेश रेट है और डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो एक अच्छा खासा आपको इसके अंदर प्रॉपर एक इंटरफेस मिल जाता है फीचर्स के साथ और एक स्मूथनेस मिल जाती है। अगर आप इसको देखें एक बार, अगर आप इसका देखें टच क्वालिटी, तो बहुत ही अच्छी टच क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है। आपको देखो तो कितनी स्मूथ टच क्वालिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है। अदर ब्रांड्स भी हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर, आपके बजट के ऊपर है कि आप कौन सा ब्रांड लगवाना चाहते हैं। और प्रॉपर इसके अंदर मिंडा के इसके अंदर आपको फॉग लैम्प्स लगे हैं, जो नीचे लगे हुए हैं आपको दिख रहे थे मैंने बाहर से दिखाए, वो मिंडा कंपनी के इसके अंदर फॉग लैम्प्स लगे हैं। और प्रॉपर इसके अंदर वारंटी कार्ड्स मिल जाता है आपको। हाइपरसोनिक की स्क्रीन लगवाने का तो एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको प्रॉपर वारंटी वाली चीज़ मिल जाती है कार के अंदर। तो एक बार लगवाई तो चीज़ अच्छी लगवाई, उसी का फ़ायदा होता है। अगर मैं नेक्स्ट चीज़ दिखाऊँ इसके अंदर, प्रॉपर इसके अंदर साउंड प्रूफिंग हो रही है, डैम्पिंग हो रही है, स्टॉक स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स को चेंज नहीं करवाया कस्टमर ने, सिर्फ और सिर्फ एक एंड्रॉयड स्क्रीन इसके अंदर लगवाई है। तो डैम्पिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि डैम्पिंग कैसे इसके अंदर हो रही है कार के अंदर और डैम्पिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस टाइप की डैम्पिंग शीट लगती है। फिलहाल इसके अंदर एल्फार्ट की डैम्पिंग लग रही है और अदर ब्रांड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। स्टोर के अंदर काम कहाँ हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप देखें तो कृष्णा का श्रृंगार पे इसका काम हो रहा है, प्रॉपर करोल बाग अब्दुल अजीज़ रोड पे स्टोर आ जाता है आपका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, फोन नंबर्स। और प्रॉपर इसके अंदर डैम्पिंग का प्रोसीजर हो रहा है। फर्दर इसके अंदर ड्राइवर साइड डोर और को ड्राइवर पीछे वाला जो डोर है उसके अंदर डैम्पिंग लग चुकी है। तो कुछ ऐसा लुक निकल के इसके अंदर डैम्पिंग आ रहा है। प्रॉपर इसके अंदर डैम्पिंग करवाने से ये चीज़ें हो जाती हैं कि आपको बाहर की जो रोड नॉइज़ है, अनवांटेड रोड नॉइज़, वो नहीं आएगी और एक प्रॉपर आपको साइलेंट कैबिन इसके अंदर मिलेगा। तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। दो लेयर में डैम्पिंग इसके अंदर हो रही है। दूसरे डोर में जब आप करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डैम्पिंग का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है। फिलहाल इसके अंदर कुछ फाइनल लुक निकल के कुछ ऐसा आता है जब अगर आप डैम्पिंग करवा लेते हैं अपनी कार के अंदर। और लास्ट स्टेप इसके अंदर होता है कि प्रॉपर डैम्पिंग लगने के बाद इसके अंदर प्रॉपर रोलर लगता है। जैसे आप देखें तो प्रॉपर इसके अंदर रोलर भी लग रहा है साथ के साथ। ये अच्छी चीज़ हो जाती है कि इससे प्रॉपर एक स्नग फिट डैम्पिंग हो जाती है और आपको एक आराम मिल जाता है कि यार कि आराम से आपकी जो एक साउंड प्रूफिंग है वो अच्छी हो गई और आपका जो स्टॉक आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो। डैम्पिंग के फ़ायदे बहुत से हैं, अगर आप करवा के देखेंगे तो आपको तभी पता चलेगा। साथ ही साथ एंड्रॉयड स्क्रीन के साथ इसके अंदर ये इस कंपनी का प्रॉपर आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है जो लगा है इस कार के अंदर। अगर आप देखें तो इसकी प्लेसमेंट कुछ यहाँ पे हुई है। तो आपकी मर्ज़ी है कैमरा आप लगवाना कौन सी कंपनी का चाहते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मैं ब्रांड को कोट नहीं करूँगा। फिलहाल इस कार के अंदर कुछ इस कंपनी का आपको कैमरा मिल जाता है। स्क्रीन आपको मैंने दिखाई दी, डैम्पिंग हो रही है साइड बाय साइड और एक अच्छी इसके अंदर फिटिंग आ जाती है। ये हाइपरसोनिक का इसके अंदर आपको स्टूडियो लग जाता है, प्रॉपर OEM फिटिंग के साथ आता है और प्रॉपर इसके अंदर काफ़ी अच्छी फिटिंग हो जाती है जैसे मैंने आपको दिखाया। और काफ़ी एक अच्छा ब्रांड है, अगर आपको OEM प्रॉपर फिटिंग के साथ एक अच्छा एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले के साथ प्रॉपर एंड्रॉयड आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन चाहिए तो आप ज़रूर से इसको लगवा सकते हैं। और तो प्रॉपर जो डोर पैनल होता है उसको प्रॉपर स्क्रू बाय स्क्रू खोला जाता है और फिर डैम्पिंग की इसके अंदर फिटिंग होती है। एक बार खुल जाने देते हैं डोर पैनल को, उसके बाद फिर मैं आपको लुक चेकआउट करवाता हूँ कि अंदर इसके अंदर क्या मिलता है आपको। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर डोर पैक खुल जाता है, जो इसके अंदर प्रॉपर हुक्स दिए जाते हैं उसको प्रॉपर खोला जाता है और जो कपलर होता है पावर विंडो का उसको हटा दिया जाता है ताकि आपकी जो डोर पैड है उसको हटा दिया जाए। और प्रॉपर कुछ ऐसा लुक इसके अंदर निकल के आता है डोर पैड के अंदर से, प्रॉपर एक पन्नी सी लगी हुई देती है कंपनी। और जो इसके अंदर स्पीकर आपको दिया जाता है वो निकाल दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग के लिए प्रॉपर स्पीकर का निकलना ज़रूरी है, तभी डैम्पिंग अच्छे से लग पाती है कार के अंदर। एक बार स्पीकर हट जाने देते हैं और डैम्पिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि डैम्पिंग कैसे लगती है। दो लेयर डैम्पिंग का मतलब क्या है? तो कुछ इस तरीके से जो पॉलिथीन कंपनी की तरफ से दे रखी होती है उसको हटा दिया जाता है और जो डैम्पिंग होती है उसको लगा दिया जाता है। प्रॉपर दो लेयर के अंदर इसकी डैम्पिंग करी जाती है। तो प्रॉपर क्लीनिंग इसके अंदर होती है डोर पैड की, क्योंकि प्रॉपर डैम्पिंग लगने से पहले जो भी डस्ट पार्टिकल्स डोर पैड पे आ रखे होते हैं उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि तभी इसकी प्रॉपर स्नग फिटिंग और अच्छे से जो गम होती है जो प्रॉपर तभी अच्छे तरीके से एक फिटिंग मिलेगी डैम्पिंग को ही और एक प्रॉपर साउंड प्रूफिंग इस कार के अंदर आपको महसूस होगी। तो जो डोर लेयर आपको मैं बता रहा था वो कुछ ऐसे इसके अंदर हो जाती है।
कि जो अंदर वाला एक लेयर होता है ना उसकी प्रॉपर वहाँ पे भी डैम्पिंग लगती है और एक फ्रंट लेयर में, तो दो लेयर में इसके अंदर प्रॉपर डैम्पिंग लगी जाती है। तो एक बार स्टार्ट होने देते हैं तो प्रॉपर जो शीट होती है इसकी उसको कट किया जाता है प्रॉपर, तो प्रॉपर इसके अंदर जो डैम्पिंग की जो प्रॉपर शीट होती है उसको कट किया जाता है, क्योंकि कटिंग के बाद ही प्रॉपर जो अंदर वाली लेयर होती है उसके अंदर प्रॉपर फिटिंग होती है, क्योंकि प्रॉपर एक प्रॉपर फुल शीट नहीं लग सकती। तो जैसे कटिंग करने के बाद तो उसका कटिंग वाला जो पीस होता है उसको प्रॉपर एडजस्ट करके प्रॉपर फिट किया जाता है अंदर, पेस्ट किया जाता है, पहले हाथ से पेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद इसके अंदर रोलर लगाया जाता है कि रोलर से प्रॉपर एक अच्छे से स्नग फिट इसके अंदर आ जाती है डैम्पिंग के अंदर, और एक प्रॉपर साउंड आउटपुट आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक बार लग जाने देते हैं डैम्पिंग को, उसके बाद आपको फाइनल लुक मैं चेकआउट करवाता हूँ कि डैम्पिंग का फाइनल लुक क्या आता है कार के अंदर। तो सारे गेट्स में डैम्पिंग हो चुकी है, अगर आपको मैं दिखाऊं अब तो एक होलो साउंड जो मैं कह रहा था कार के अंदर वो जा चुकी होती है। अगर आप देखें तो एक हैवी साउंड आ रही है कार के अंदर, और इन कंपैरिजन टू फेंडर जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ एक होलो साउंड अभी भी है। तो ये फ़ायदा होता है डैम्पिंग का कि अगर आप डैम्पिंग करवा लेते हैं तो एक होलो साउंड कार के अंदर से जो होती है वो ख़त्म हो जाती है।